हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है उसी के रिगार्डिंग ही रहेगी। देखिए, एक डेट जो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा सामने आ रही है वो आ रही है 20 मई। कि क्या 20 मई को रिजल्ट आ सकता है? और कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या 20 मई से पहले हम रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। देखिए, ये 20 मई जो बात आ रही है सबके सामने, ये जरूरी नहीं है कि 20 मई को ही रिजल्ट आएगा। क्लास 10th और क्लास 12th की बात कर रहा हूँ, इससे पहले भी आ सकता है। और जो डेट है ना वो 12 से 20 तक आप कह सकते हो, इसके बीच में आ सकता है सीबीएसई का रिजल्ट। और आपको एक बात और बताऊँ, जैसे अगर आपको ये थोड़ा कन्फर्म करना है कि रिजल्ट कब आ सकता है, तो जो डिजी लॉकर है ना, आप उस साइट पर जाकर विजिट कीजिए। आपको पता है जब रिजल्ट आने वाला होता है तो उससे एक या दो दिन पहले ही डिजी लॉकर पर ये लिखा जाता है कि रिजल्ट कमिंग सून। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं ना, तो ये CISCE आप यहाँ देख रहे हैं, ये अभी 2 दिन पहले से ना इस पर लिखा हुआ आ रहा था, तो फिर आज इसका रिजल्ट आ गया CISCE का क्लास 10th का क्लास 12th का। ठीक है, ऐसे ही CBSE का रिजल्ट अगर आने वाला होगा ना, तो इसी डिजी लॉकर पर पहले से कमीशन लिखा आ जाएगा। तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस साइट पर जाकर एक बार विजिट करके देख सकते हैं। अगर कमीशन आए तो आप समझ जाना कि 1-2 दिन में आ जाएगा। बाकी मैं भी आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करके दिखाऊंगा जब इस पर कमीशन लिखा हुआ आ जाएगा और जब रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही था, और रिजल्ट के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।